यूट्यूबर हो एंड आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप भी गाइस यूट्यूब चैनल से अपने पैसा कमाना चाहते हो तो गाइस आपको पता है कि यूट्यूब से पैसा कमाना इतना आसान तो है नहीं, उसके लिए हमको कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करना पड़ता है एंड हमारा चैनल कभी भी हैक हो सकता है या टर्मिनेट हो सकता है या फिर रिकवर भी ना हो सकता है, कभी कभार हमारा चैनल फंस भी आता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिनको आपको अपने चैनल पर ऑन कर देना, मैं दो सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको अपने चैनल पर ऑन कर देना गाइस। अगर आप अपने सेटिंग को अपने चैनल पर ऑन कर दे दो तो गाइस आपके चैनल को ना तो कोई हैक कर पाएगा ना कि आपका चैनल कहीं भी, अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो गाइस आपका जो चैनल है वो आराम से रिकवर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर गाइस आप इसको ऑन नहीं करोगे तो गाइस आप अपना चैनल को कभी भी रिकवर नहीं कर सकते और फिर आपका चैनल आपके हाथों से चला जाएगा। ऐसा मैं गाइस इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बस यही है कि गाइस मेरा जो एक चैनल था वो जा चुका है, मैं उसको रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरी गलती थी, मैंने उस पर ये सेटिंग्स को ऑन नहीं किया था। गाइस मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए, आप भी जब यूट्यूब पे अपना इतना ज़्यादा मेहनत करो, आप भी इतनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करो और आपका चैनल कहीं हैक हो जाए या टर्मिनेट हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकता है, आपका चैनल कभी रिकवर ही ना हो। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में मतलब जो कि मैंने गलतियाँ की थी उनको मैं फाइंड कराने वाला हूँ और उसका जो सॉल्यूशन मैं आपको जो बताने वाला हूँ। मुझे पता है सबसे ज़्यादा प्लेयर्स मतलब जो कि हमारे प्लेयर्स में मतलब गेमिंग चैनल है तो जो भी हमारे जो मतलब यूट्यूबर भाई हैं वो इस सेटिंग्स को ऑन नहीं करते। तो भाई इस सेटिंग को ऑन करने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं कर लेना है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको बस उनको फॉलो कर लेना। तो गाइस मैं डेफिनेट कह सकता हूँ तो आपका जो सेटिंग्स ऑन करने से आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा, कोई घाटा होने वाला नहीं है। तो गाइस आपको क्या करना है जो कि आपका जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसको ओपन कर लेना है। गाइस देखो जैसे मैं भी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपना क्रोम ब्राउज़र, तो जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र सर्च कर लिया एंड गाइस आपको यहाँ पे लिखना है बाइटी स्टूडियो, ठीक है गाइस यहाँ पे बाइटी स्टूडियो आपको लिख देना है। लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो गाइस आपको यहाँ पे देख लेना आपका जो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक है या नहीं है। गाइस आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना बाइटी स्टूडियो पे तो गाइस आपका कुछ ऐसा ओपन होके आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ जी आपको, वो डायरेक्ट बाइटी स्टूडियो में ले आएगा। अगर गाइस आपको डायरेक्ट बाइटी स्टूडियो में ले आता है तो गाइस आपको क्या करना है, आपका जो बाइटी स्टूडियो होता है उसको आपको डिलीट करके दोबारा मतलब आपको हाल फिलहाल डिलीट कर देना है। तो जैसे ही आप डिलीट कर दोगे ना तो गाइस आप डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाओगे जहाँ पर मुझे आपको पहुँचाना है। तो गाइस मैं तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहुँच सकता हूँ, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है तो गाइस आप यहाँ से भी पहुँच सकते हो। तो गाइस आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आ जाने के बाद गाइस आपको मतलब यहाँ पर आ जाओगे। देखो मैं बताऊँ मैं डायरेक्ट वहाँ पर आ चुका हूँ, जैसे आप वहाँ से आओगे तो गाइस आप यहाँ पे आ जाओगे। गाइस यहाँ पे आपको एक डॉलर वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा, ये डॉलर वाला, यहाँ से तो हमारा अर्निंग स्टार्ट होता है। तो गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा हमको 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम जो करना होता है। तो यहाँ पे हमको जो अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है टू स्टेप वेरीफिकेशन। तो गाइस ये बहुत से लोगों के चैनल पर ऑन नहीं है, इसका मैं फ़ायदा भी बताने वाला हूँ कि इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक इसलिए देखना क्योंकि भाई ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी एक यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो गाइस आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और जितना हो सके उतना जितने आपके यूट्यूबर्स भाई हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि गाइस ये वीडियो मैंने जब भी बताया क्योंकि इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है भाई, मैं नहीं चाहता कि लोगों की मेहनत ऐसे बर्बाद हो। तो गाइस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है टर्न ऑन पे। तो जैसे आप टर्न ऑन पे क्लिक करो तो गाइस आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करो तो गाइस आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको अपनी जो ईमेल आईडी होता है उसका जो पासवर्ड होता है उसका पासवर्ड आप जैसे ही डाल दोगे तो उसके बाद गाइस आपको कुछ नंबर वेरीफाई करने के लिए आएगा। तो गाइस आपको वहाँ पर नंबर मांगेगा, वो आपको यहाँ पर टैक्स वगैरह सिलेक्ट कर देना। गाइस मैं यहाँ पर पासवर्ड इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे ये मेरा देखो मेरा रियल चैनल नहीं है, कुछ फेक मतलब वैसे ही चैनल है तो इसलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे ऐसे ही आप करोगे ना तो गाइस वहाँ पे आपको शो करेगा कि आपको किस कंट्री से हो, मतलब वो तो खुद बता देगा, आपको नंबर डाल के बस वहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे आप वेरीफाई कर लोगे ना, वेरीफाई करने के बाद गाइस यहाँ पे जो आपका टिक हो जाएगा गाइस ये जो टू स्टेप वेरीफिकेशन है कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको एक मिनट दिखाई देता हूँ गाइस, ठीक है। जैसे ही आपका टू स्टेप वेरीफिकेशन हो जाएगा मैं अपने रियल वाले चैनल से गाइस आपको दिखा देता हूँ आपको कैसा शो करेगा। तो गाइस जब आप टू स्टेप वेरीफिकेशन कर लोगे तो गाइस कुछ आपको ऐसा शो करने का है। देखो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि मेरा टिक है वो लग चुका है टू स्टेप वेरीफिकेशन पे, जो मेरा राइट वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे मेरा राइट वाला ऑप्शन हो चुका है। और गाइस आपको एक और बात मैं बता दूँ, आपको अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए ये चारों क्राइटेरियाज को पूरा
पूरा करना होता है, जिसमें से भाई का भी एक चैनल, एक क्राइटेरिया जो रह गया है भाई, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आपको यहाँ से आप देखो गाइज, अपना जो एक होता है वो अपना कंप्लीट हो चुका है वन स्टेप। अपन को सेकंड स्टेप करने के लिए यहाँ से बैक कर लेना है। ठीक है गाइज, यहाँ से बैक करने के बाद गाइज अपन को डायरेक्ट जाना है अपने प्ले स्टोर में। ठीक है, यहाँ से आपको प्ले स्टोर सर्च कर लेना है, एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको गाइज जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। गाइज लॉग इन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे जाना है मैनेज ऐप, एंड रुको गाइज एक सेकंड, यहाँ पे जाना है गूगल अकाउंट्स। ठीक है, गूगल अकाउंट्स पे क्लिक कर देना गाइज, जैसे मैंने अभी गूगल अकाउंट्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फो पे जाना है, एंड पर्सनल इन्फो पे जाके गाइज आपको यहाँ पे आपका जो नंबर है वो यहाँ पे शो कर देगा गाइज, जो भी आपका एक नंबर होगा वो यहाँ पे शो कर देगा, एंड जो आपका ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे शो कर देगा। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रिकवरी मेल। तो गाइज यहाँ पे आपको जो रिकवरी मेल है ना गाइज, इस पे क्लिक कर देना है गाइज। रिकवरी मेल पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे इस आईडी का पासवर्ड डालना है, एंड आईडी का पासवर्ड डालने के बाद गाइज आपको यहाँ पे अपना रिकवरी मेल एक डाल देना है गाइज। ठीक है, जहाँ पे आप आईडी का पासवर्ड डालोगे तो आप आईडी के अंदर पहुँच जाओगे, एंड पहुँचने के बाद गाइज आपको वहाँ पे एक मेल मिलेगा रिकवरी आपको ऐड करने के लिए। तो गाइज वहाँ पे आपको अपना एक जो मेल आईडी होता है उसको ऐड कर लेना है। ठीक है गाइज, वहाँ से जैसे ही आप यहाँ पे मेल ऐड कर लोगे गाइज, ठीक है, अब गाइज वहाँ पे बात आता है कि भाई इन सब करने से हमारा प्रॉफिट क्या होने वाला है, जो कि मैंने आपको सेटिंग्स बनाया इनका एक्चुअली में मतलब है क्या। तो गाइज देखो, ऐसे मान देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन से क्या होता है, अगर गाइज भाई तभी आपका जो चैनल का अगर पासवर्ड वगैरह किसी को पता चल गया, मतलब किसी ने आपका पासवर्ड चुरा लिया या कुछ भी कर लिया आपका ईमेल आईडी पासवर्ड, तो गाइज आपके आपका जो फ़ोन होता है उसके पास एक वो बोलेगा कि जो फलाना डिवाइस आपके चैनल को लॉगिन कर रहा है, क्या आप इसको इजाज़त देते हो लॉगिन करने की या फिर नहीं। तो गाइज आप वहाँ पे आपको राइट एंड रॉन्ग का ऑप्शन आएगा, अगर आप उसको राइट कर दोगे तो गाइज सामने वाला इजीली अपने आपके जो चैनल होता है उसको लॉगिन कर सकता है। अगर गाइज अगर आप वहाँ पे नो का ऑप्शन कर दोगे तो गाइज वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, और आप हाल के अपना पासवर्ड चेंज कर देना। तो गाइज यहाँ से क्या होगा, जब भी आपका किसी को आईडी पासवर्ड पता चल भी गया तो गाइज वो आपका चैनल को लॉगिन नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं, अब जी मैंने जो रिकवरी मेल आपको जो बताया कि इसका मतलब क्या है, तो गाइज यहाँ पे जो रिकवरी मेल मैंने आपको बताया इसका मतलब कुछ ऐसे है, समझो ऐसे में बात है भाई, आपका जो चैनल है वो किसी के पास लॉगिन नहीं है, आपके मतलब जो चैनल है वो लॉगिन है ही नहीं है किसी भी फ़ोन के अंदर, एंड गाइज जो आपका चैनल का पासवर्ड है आप पासवर्ड भी फूल गए हो। तो जहाँ पे अगर आप पासवर्ड फॉरगेट करोगे तो गाइस ये क्या होता है कि पहले जो ओटीपी है वो आपके चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके जो नंबर होता है वो नंबर के पास आपका ओटीपी आ जाएगा, एंड गाइस ओटीपी आने के बाद गाइस आपका एक और ओटीपी आएगा जो कि आपकी मेल रिकवरी मेल पे आएगा। अभी गाइस मैंने आपको दिखाया जो कि रिकवरी मेल, तो गाइस रिकवरी मेल में जो हमारा चैनल का मेल आईडी है वही मेरी रिकवरी मेल में चढ़ा हुआ है। तो गाइस इसको कुछ ऐसे समझो, जो कि हमारा चैनल होता है ना, हमारे जो चैनल का रिकवरी मेल अभी जो डला होता है ना डिफॉल्ट, वो जो चैनल का होता है उसी पर डलता है। यानी कि जैसे हम रिकवरी मेल पे अपना ओटीपी सेंड करेंगे ना, तो हमारा जो चैनल है ना उसी के पे ऊपर ओटीपी आएगा। जब गाइस हमारे पास चैनल लॉगिंग ही नहीं है वो मेल आईडी, तो उस पे कैसे हमारा ओटीपी आएगा। तो गाइस ऐसे ही आपका चैनल फंस सकता है और आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो गाइस आपको एक दूसरा मेल आईडी दे देना है, ऐसे भाई दबे आपका कोई आपका चैनल लॉगिंग नहीं है तो आपकी दूसरी मेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा, तो आप उसकी मदद से अपने चैनल को रिकवर कर सकते हो। तो गाइस आई होप मैंने वीडियो में इतना सब कुछ आपको कंफर्म करा दिया कि ऐसे ऐसे सब कुछ करना है। गाइस बात आता है सपोर्ट का, तो भाई इन भाई को थोड़ा सा जरूर सपोर्ट करना, थोड़ा सा ही नहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि भाई भी अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एंड गाइस हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तो गाइस हमको और उनको ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। और गाइस आप भी अगर एक अच्छा अच्छा वीडियोस चाहते हो एंड क्रिएटर सपोर्ट एंड गेमिंग चैनल ग्रो वगैरह, क्योंकि गाइस मैंने एक्सेस किया कि यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बता रहा कि भाई देखो सब लोग बताते हैं कि गेमिंग चैनल ग्रो कैसे करें, बट जो एक गेम का क्रिएटर होता है ना वो कभी नहीं बताता। मतलब नहीं समझे आप मेरी बात को, ऐसे मैं एक गेमिंग क्रिएटर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि गेमिंग चैनल कैसे ग्रो वगैरह करते हैं, तो ऐसा कोई भी एक ऐसा क्रिएटर नहीं है जो गेमिंग चैनल्स का बताता हो, वो ओनली टैग चैनल या ब्लॉग्स वगैरह अनदर का बताते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं गेमिंग्स में आपका मतलब पूरा बताऊँ गेमिंग चैनल कैसे ग्रो करते हैं, कैसा वीडियोज़, क्या टर्म एंड पॉलिसी है, तो गाइस आप मुझे कमेंट